गाइस ये है सहट और इसके अंदर अभी चलते हैं हम टिकट वगैरह लेके, फिर आपको आगे मैं पूरा दिखाता हूँ कि कैसा है अंदर से सहट और क्या है इसकी खासियत बौद्ध भगवान की श्रावस्ती में। तो मात्र 25 रुपये का टिकट लगता है, उसके बाद अंदर आपको एंट्री मिलती है और कुछ ऐसा है अंदर का नज़ारा और आपको मैं पूरा घूम के दिखाता हूँ। दोस्तों यही है सहट महट आर्कियोलॉजिकल साइट। यहीं पे भगवान बुद्ध ने 24 से 25 बार आके लोगों को शिक्षाएं दी थी, यही वो प्राचीन इतिहास है। सो आपको मैं इस वीडियो में पूरा सहट महट घुमाऊंगा और बौद्ध वृक्ष भी दिखाऊंगा जहां बुद्ध भगवान बैठ कर लोगों को जानकारी या शिक्षाएं दिया करते थे। तो पूरा सहट महट का ये वीडियो है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आपको पूरा सहट महट दिखाता हूँ। मैट में स्तूपा 8 ये है और ये कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, और स्तूपा यच ये है, ये भी कुछ ऐसा ही दिखता है। सो इनका बहुत पुराना इतिहास रहा है अपने शब्दों में। सो गाइस सहट महट कहाँ स्थित है? सहट महट स्थित है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में, राप्ती नदी से लगभग 60 फीट ऊंची पे ये स्थित है और यहाँ आने के लिए आप बहराइच और बलरामपुर से आ सकते हैं। तो गाइस पहली बार इसको पहचाना गया था 1863 में, अलेक्जेंडर घनिष्ठ ने इसको सबसे पहले पहचाना था और इसके बाद इसकी चारों तरफ से सुरक्षा वगैरह बढ़ा दिया था। और बहुत ही सुंदर स्थान है, बौद्ध धर्म में 8 तीर्थ स्थानों में से एक तीर्थ स्थान ये सहट महट भी है जो श्रावस्ती में स्थित है। एंड गाइज बौद्ध वृक्ष का कुछ ऐसा पूरा इतिहास इस पे लिखा हुआ है। और गाइज ये दो ऐसे चबूतरे, एक ये वाला चबूतरा और एक ये वाला चबूतरा, बेसिकली बौद्ध भगवान के टहलने के लिए चबूतरों का निर्माण कराया गया था। और ये देख रहे हैं इस तरीके से एक कुंड बना हुआ है जहाँ पानी दिया जाता था, और कुछ इस तरीके से ये स्तूपे बने हुए हैं जहाँ पर बैठ के भिक्षुओं को उपदेश दिया करते थे या उनको ज्ञान दिया करते थे भगवान बुद्ध। एंड गाइस श्रावस्ती बौद्ध भगवान का ये जो स्थल है, ये कौशल नरेश की राजधानी भी हुआ करती थी, दूसरी राजधानी थी और बाद में चल कुश ने इसको अपनी राजधानी बनाया। सो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये स्थान है और उतना ही महत्वपूर्ण यहाँ का बगीचा। यही है बौद्ध वृक्ष, और कुछ ऐसा दिखता है बौद्ध वृक्ष। बाकी गाइस ये बहुत ज़्यादा सुंदर एक पार्क नुमा ये पूरा सहट महट बना रखा है, बहुत ही अच्छा स्थान है और बहुत ही मज़ा आया यहाँ घूमकर। सो अगर आप आते हैं एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बहुत सारी इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी जो अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, जिसकी हम अक्सर चर्चाएँ सुनते हैं। और इसको देखिए टहनियों को गिरने से रोकने के लिए बाकायदा स्टैंड बना रखा है और रोक रखा है कि टहनियाँ इसके नीचे ना आए। सो गाइस कुछ इस तरीके से है पूरा सहट महट और घूम के बहुत अच्छा लगा। एंड आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।